नमस्कार, हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं प्रधान योगाचार्य श्री रघुवीर जी, जिन्होंने दिव्य योग मंदिर सिरसा में 25 साल तक अपनी सेवाएं दी और गांव कोटली में भी दिव्य योग मंदिर के प्रधान योगाचार्य हैं और हुड्डा के सेक्टर 20 में भी एक योग मंदिर लगभग बनकर तैयार है। तो आइए आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि योग से हम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहले सर, यहाँ पर पधारने पर हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग से हम स्वास्थ्य का किस तरह से संबंध है। सबसे पहले पल पल चैनल ने मुझे यहाँ बुलाया, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि देवी बत्ता ने मुझसे पूछा कि हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं योग से, तो जैसा मैंने अपने निज जीवन में अनुभव किया उसके मुताबिक हर प्राणी को आज के युग में जो नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, जैसे शुगर, जैसे बीपी, जैसे खांसी, दमा, घुटने दर्द, कमर दर्द, ये आम बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अगर व्यक्ति प्रभु रामलाल जी के योग को नित्य प्रति 20 से 30 मिनट रोगी व्यक्ति के लिए 20 से 30 मिनट अगर आसन करे, कुछ प्राणायाम उनसे पूछ करके करे, कुछ ऐसा नहीं कि सभी को 10 प्राणायाम करा दो, सभी को 8 प्राणायाम कर दो, ऐसा नहीं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, कुछ आसन करे, कुछ प्राणायाम करे, कुछ योगिक क्रियाएं करे। और करने से, मैं दावे से कहता हूं कि ये जो आज के युग में इंसान बीमार होता जा रहा है और रोगों का घर बनता जा रहा है, तो उसको ये बीमारियां बिल्कुल नहीं होंगी और वह भारत का स्वस्थ नागरिक बन जाए। सर, जैसे कि योग स्वस्थ शरीर के लिए तो बहुत जरूरी है, तो क्या योग का अध्यात्म से भी कोई लिंक है? हाँ, बिल्कुल लिंक है। जो प्रभु रामलाल जी से हमने योग सीखा, उससे हम योग को अपने जीवन में अपना करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले दिन जब योगीराज स्वामी देवीदयाल जी महाराज के पवित्र चरणों में जनता भवन में गया, तो मैं 3 घंटे ध्यान में बैठा था। 5 बजे जब उन्होंने मुझे ऐसे ध्यान में बिठाया और लगभग 8 बजे उन्होंने मुझे उठाया, उस समय मुझे समझ आया कि कैसे इंसान को योग के द्वारा बाहर के पट बंद करने चाहिए और अंदर के पट को खोलना चाहिए। कैसे हम अंदर के पटों को खोल करके अपने चित्त को, अपने मन को भगवान से लगा करके और नियंत्रण में कर सकते हैं, अपने चंचल मन को नियंत्रण में कर सकते हैं और अपने पापी मन को शुद्ध कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि ध्यान लगाना, मोस्टली तो ध्यान लगता ही नहीं, बहुत मुश्किल से मेडिटेशन ही इस तरह से बोलते हैं कि शुरू में हम किस तरह से अपने मन को टिकाए कि धीरे धीरे हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाए। बहुत बार कोशिश करते हैं ध्यान लगाने की या मेडिटेशन करने की, तो उधर ध्यान ही नहीं जाता। तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि इसलिए हम अपना ध्यान लगा सके। हाँ, देवी ने मेरे से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आम लोग जो अक्सर ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद कर लेते हैं, मैं इससे सहमत नहीं। शुरू का आदमी, मान लो आप राम जी को मानते, मान लो आप हनुमान जी को मानते, मान लो आप कृष्ण जी को मानते, तो उसकी फोटो को सामने रख लीजिए और उसको देखते रहिए। एक तक देखेंगे हम, अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे और आंखें बंद होने की कोशिश करेंगे हम, उसको फिर बंद नहीं करेंगे, फिर आंखें आग की तरह तप जाएंगे और आंखों में से आंसू आने लग जाएंगे। इसको कहते हैं भगवान की याद में बहाए गए आंसू। फिर आंखें अपने आप ही, मुझे बंद करो, यहां से ध्यान शुरू हो जाएगा और आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी और आपका चित्त जो है थोड़ा थोड़ा भगवान की ओर टिकने लग जाएगा। सीधा आंखें बंद करके अगर आप अपने चित्त को भगवान की ओर लगाएंगे, तो जो मेरा अनुभव है, लोग कहते हैं कागज की लेखी, गुरु रघुवीर कहता है आखन देखी, तो आपका मन जो है नहीं लगता। तो सर, योग से मन को भी नियंत्रित किया जाता है, जैसे ये ध्यान लगाना भी एक तरह से मन को नियंत्रण करना ही होता है। हाँ।
किस तरह से ये किया जा सकता ऐसे जी? पहले स्टेप में मैंने ये जैसे आपको बताया कि आप अपनी निगाहों को भगवान में लगा दो। जब आप अपनी निगाहों को भगवान में लगाएंगे, एक सिद्धांत भी है कि मन सिथरम सॉरी मतलब कहने का अभिप्राय कि आप अपनी आंखों को भगवान में लगाइए। इसके लगाने से जो है धीरे धीरे आप अपनी आंखें अपने आप ही बंद होने लग जाएंगी, स्वयं बंद होने लग जाएंगी। अगर आप पहली स्टेज में ध्यान लगाते समय अपनी आंखों को बंद करते हो तो मैं दावे से कहता हूं कि आपका मन नहीं लगता। जब आपको थोड़ा थोड़ा रस आने लगेगा, इसको कहते हैं योग में त्राटक, जब आप भगवान में अपनी आंखों को लगाएंगे तो त्राटक से आपकी आंखों की शुद्धि हो जाएगी। जैसे मैंने इस पर दो लाइनें लिखी हैं, दृष्टि मनुष्य की विकारी है, दृष्टि मनुष्य की विकारी है, इसे निर्विकारी बनाया जाए, रघुवीर संसार के दृश्यों को हटा करके इसमें भगवान को बिठाया जाए, तभी बैठेगा। जब इसकी चंचलता को हम दूर कर दें, आम व्यक्ति कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, जब आप अपनी दृष्टि को भगवान में टिकाएंगे ये टिकने लग जाएगी और आपको भगवान से प्यार हो जाएगा। जब प्यार हो जाएगा तो अंदर भक्ति पैदा हो जाएगी। तो जैसे सर आजकल मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, तो ऐसे मौसम में ज्यादातर सर्दी जुकाम खांसी से लोग जकड़े जाते हैं, तो आप ऐसा कोई योग या उपाय बताइए कि इस मौसम में हम इन बीमारियों से काफी हद तक बच सके। हाँ, जैसा कि मैंने इस मामले में खोज की है, कई लोग तो मतलब के अगले को पूछते हैं नहीं तुम्हें क्या तकलीफ है, उसको प्राणायाम पे प्राणायाम सिखाने जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मान लो आप चाहते हैं कि मेरी चेस्ट में इन्फेक्शन ना हो, मेरा दिल ठीक रहे, मेरे फेफड़े ठीक रहे, इसके लिए बस ज्यादा से ज्यादा 3 कुंभक या 4 कुंभक सुबह और 4 कुंभक आप शाम को नित्य लगाएं। तो देखिए कैसे कुंभक लगाना है, पहले धीरे से सांस को अंदर ले जाएं, फिर ठोड़ी को जो है ऐसे कंठ कुंभ में फंसा दें, जैसे कि मैंने सांस को पहले अंदर ले जाया, लेके गया, सांस को छाती में रोका, फिर मैंने जलंधर बंद लगाया, फिर धीरे धीरे सांस को गर्दन को ऊपर उठा के सांस को मैंने बाहर निकाला। इससे जो भी हमारी छाती में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, गंदी गैसेस इकट्ठी होती हैं, वो बाहर आ जाएंगी, छाती हमारी मजबूत हो जाएगी, फेफड़े हमारे मजबूत आ जाएंगे, दिल हमारा मजबूत हो जाएगा, हमें ना खांसी होगी, ना फेफड़ों में बलगम फंसेगी, ना हमें टीबी होगी, सदा के लिए हम भारत के एक स्वस्थ नागरिक बन जाएंगे। और एक और छोटा सा प्राणायाम जो सबको जरूरी है, एवरी बॉडी, वो हमें ये है कि हमें अनुलोम विलोम सभी को करना है। वो कहें तो मैं समझा देता हूँ। सर एक बार बता दीजिए। हाँ, अनुलोम विलोम मीन जैसे देखिए हमने इस अंगूठे उंगली का यूज करें आप, जैसे मैंने अब दाएं नास्तिक को बंद किया, बाएं से मैंने सांस लिया और दाएं से छोड़ दी, फिर दाएं से मैंने सांस लिया फिर बाएं से छोड़ दी, ये एक बार हो गया। कई लोग 10 मिनट करते हैं, कई लोग 15 मिनट करते हैं, जो मुझे ईश्वर की प्रेरणा हुई, जो मैं खुद करता हूं, दाएं से सांस लेकर के बाएं से छोड़ो और बाएं से सांस लेकर के दाएं से छोड़ो, एक बार हो गया। आप 11 बार रोज सुबह और 11 बार शाम को करें, मैं दावे से कहता हूं कि आपको जुकाम नहीं होगा, आपको सिरदर्द नहीं होगा, आपको दिमागी तनाव नहीं होगा, आपको माइग्रेन नहीं होगा, इतनी बीमारियों से आपका लगा कुछ भी नहीं और आपको फायदा हो जाएगा और हार्ट की तकलीफ नहीं होगी। एक बार मैंने टीवी के पर देखा कि अधिकतर लोगों को हार्ट अटैक इसलिए होता है क्योंकि उनको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती और ऑक्सीजन जाने का रास्ता जो है हमारे नासिका रंध्र है। अगर ये नासिका रंध्र बिल्कुल खुले रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, हमें ऑक्सीजन पूरी मिलेगी तो हमारा दिल जो है कभी कमजोर नहीं। सर आजकल जैसे गले का कैंसर भी बहुत फैलता जा रहा है, तो क्या योग में ऐसा भी कोई इलाज है कि हम उससे गले का कैंसर ठीक हो सके या वो बीमारी हो ही ना? एक तो जैसे मैंने कहा कि जलंधर मन लगाएं, कुंभक लगाएं, उससे भी ठीक हो जाए। दूसरा ऐसे गले की नाड़ियों को ऐसे खींचे, अगर ऐसे खींचेंगे तो ये गले की नाड़ियां जो हमारी मजबूत हो जाएंगी, इनमें ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा और हमें गले का कैंसर नहीं। सर एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, आप प्लीज बुरा भी मत मान जाना इस बात का, कि जैसे योगी राज, जैसे कि आपका नाम है योगाचार्य रघुवीर जी महाराज, तो योगी राज जो होते हैं वो कपड़े थोड़े दूसरे टाइप के पहनते हैं और आपने सुपारी सूट वगैरह डाला हुआ है, तो इसका भी कोई
असर है इस पे ना बताइए। नहीं, ऐसा है जो मेरे परम पूजनीय गुरुदेव योगीराज स्वामी देवीदास जी महाराज थे, वो गृहस्थी साधु थे और उन्होंने हमें एक ही नियम में बांधा कि बेटा साधना करने से योगी बनता है, कपड़े पहनने से योगी नहीं बनता। जैसे कई लोग भगवे पहन लेते हैं, योग उनको आता नहीं, वो नाम के योगी होते। हमारे गुरुदेव कहते थे आपने नाम से योगी नहीं बनना, आपने कर्म से योगी बनना है। नित्य प्रति जो है अमृत वेले में उठना है, अमृत वेले में उठ करके योग करना है, कपड़े जैसे मर्जी पहनो। और एक कहावत भी है, कहते हैं खाओ मन भावदा ते पाओ जग भावदा। खाओ मन भावदा ते पाओ जग भावदा। आप संसार में रह रहे हो, संसार के सभ्य नागरिक हो, जैसे संसार के लोग कपड़े पहन रहे हैं ऐसे आप कपड़े पहने, लेकिन आपके लिए एक नियम जरूर है कि आपने साधना को इतना करना है कि लोग आपको कहें कि वाकई ही मैं योगी है, कपड़े चाहे जैसे पहन। बीमार व्यक्ति के लिए तो योग जहां तक बहुत जरूरी है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी ऐसा योग आप कुछ बताइए कि वो स्वस्थ रहे। नॉर्मल व्यक्ति भी तो योग कर सकते हैं, नॉर्मली हमारे जीवन में एक्सरसाइज जरूरी है, तो आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को। उसके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ योग रोगी के लिए औषधि है, वो इसे औषधि के रूप में पिए, और निरोगी के लिए टॉनिक है, वो इसे टॉनिक के लिए पिए। जैसे एक आदमी बीमार हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि तूने सेब खाने, वो तो बीमारी में खा रहा है, लेकिन एक आदमी इसलिए सेब खा रहा है कि मैं स्वस्थ रहूं। रोगी व्यक्ति योग को इसलिए करे कि मैं निरोग हो जाऊं, और निरोगी व्यक्ति इसलिए योग करे कि मैं निरोग। योग भारत के प्रत्येक नर नारी के लिए आवश्यक है। जैसे भोजन खाना हमारे लिए जरूरी है, ऐसे योग करना हमारे लिए जरूरी। तो सर कई बार गलत योगा की वजह से हमारे शरीर पे क्या बैड इफेक्ट भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। इससे मैं सहमत हूँ, इसीलिए कहा गया है कि योग जो है किसी सुलझे हुए आचार्य की देख रेख में करना चाहिए, उसकी परमिशन में करोगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। और मैं ये सेवा सभी की फ्री करता हूँ, किसी को मुझे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, उसकी इच्छा हो हमारी संस्था को डोनेशन दे, नहीं हो तो ना दे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं फ्री सेवा करता हूँ, फ्री करता ही रहूंगा। और मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया था कि जिस दिन तुम इस विद्या को बेचने लग जाओगे तुम खुद ही बिक जाओगे। ये बहुत बहुत सही की कि अगर हमारे अंदर कोई हुनर है और अगर उससे किसी का फायदा होता है तो उसके लिए शायद हमें चांसेस नहीं लेने चाहिए, ईश्वर की देन होती है। तो सर अंत में मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को योग के बारे में कुछ जानकारी दें या कुछ सुझाव दें। देखो आज हर भाई बहन किसी ना किसी रोग से पीड़ित है। अगर वो चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, और पहला सुख है निरोगी का है, और दूसरा ये कहता है कि मैं भगवान का भजन भी करूं, मानुष जन्म मेरा सफल हो जाए, तो इसके लिए मेरा एक ही उपाय है कि रात को जल्दी सो जाएं, यानी कि पहले पहर में सो जाएं और चौथे पहर में अमृत वेला में उठ जाएं। और जो व्यक्ति अमृत वेला में उठ करके योग करता है, मैं विश्वास से कह सकता हूँ आज के युग में जो बीमारियां आम, बीपी है, हृदय रोग है, घुटने दर्द हैं, कमर दर्द हैं, आंखों पे चश्मे हैं, ये भी पेट गैस है, पेट में तनाव है, लिवर में गर्मी है, ये बीमारियां योग करने को वाले को नहीं हो सकती, मेरा दावा है, मेरा विश्वास है। इसलिए आप लोगों को योग अपनाना चाहिए, और योग अपना करके आपको अपने भारत की एक पूंजी बनना चाहिए। थैंक यू सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, क्योंकि स्वास्थ्य तो आजकल सबके लिए बहुत जरूरी है, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कुछ कर सकेंगे। तो दर्शकों बहुत जल्द फिर से आपसे मुलाकात होगी, धन्यवाद।